तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नए ब्लॉग में। तो आज है बाबू जी का जन्मदिन और एक हमारे आत्मविश्वास के जिनको हम पुरोधा कह सकते हैं, मटकू भाई ने आज सुबह सुबह स्टेटस अपडेट कर दिया फेसबुक पे, फिर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आ रहा है वो। तो भाई कहाँ जा रहे हैं आज? क्या बता रहे हैं भैया आप? किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में दो ही दिन ऐसे आते हैं जो 24 घंटे के नहीं होते। अच्छा, तो वो होता है उस दिन, वो खत्म होता है उस दिन। भाई और चेतन भाई दोनों तैयार हो चुके हैं, ये देखो पुराने वाले लुक में आ गए अपने में। ये पहले वही ऐसे ही दिखते थे। हाँ। मटकू भाई हमारे से सबसे लंबा आदमी है, उम्र में सबसे छोटा, लंबाई में सबसे ऊंचा, और दिमाग वही। हम तो दोनों खाना खा करके बिल्कुल तैयार है, भाई साहब खाना खा रहे हैं। स्क्रू ड्राइवर आ गया भाई, इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे और ये आज अपना Asus ROG जो लैपटॉप है उसमें रैम और NVMe जो असेंबल करेंगे वो इसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से करेंगे। बोलो इसको क्या आया देखें। तो इसकी सहायता से अपन अपनी रैम असेंबल कर देंगे। आज ऑपरेशन करवाया भाई ने, अभी तो थोड़ा थोड़ा पैरों में दर्द रहता है भाई साहब के। अब कैसा फील होता है, कितना टाइम हो गया आपको ऑपरेशन करवाए? 27 तारीख को 3 महीने हो जाएंगे। पतंग उड़ाने सुबह सुबह की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। देखिए बेटा तो भाई हम पहुंच चुके हैं नीम का थाना और मटकू भाई को हमने कर दिया ड्रॉप। ठीक है भाई, बाय बाय, मिलते हैं। अरे फोन कर दो, उनको पता नहीं है कि हम आ रहे हैं। हम चल रहे हैं वापस घर की तरफ और हमने अभी देखा कि ऊंट का जो खड़ा था मुंह टिका के खड़ा था। हमने तो पहली बार देखा है किसी ऊंट को ऐसे मुंह टिका के खड़े हुए। क्या दिखा रहा है? मेरी बचपन की फोटो है। अच्छा, और आप अब क्या हो गया? तू बड़ा, तू बड़ा हो गया। हाँ। क्या कर रहा है बिट्टू, क्या कर रहा है? ब्लॉग बना रहा है। चारों तरफ दाग ही दाग। हम भी खा लेंगे। ये आ गए हैं भाई साहब हमारे टेक्निकल हेल्पर, आज ये Asus ROG Strix में रैम और हार्ड डिस्क असेंबल करने का काम करेंगे। लेंस बिल्कुल लॉक हो चुका है, इसको हम यहाँ से दबा रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं, लेकिन ये निकल ही नहीं रहा है। लेंस नहीं निकल रहा है, खींचने से नहीं निकलेगा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, लेंस वापस डिटैच नहीं हो रहा है। फाइनली डिटैच हो चुका है लेंस, इसमें गिर गया था अभी लेंस, तो इसमें शायद फ्रेम है प्लास्टिक वाली, ये ऊपर आ गई थी, इसको हमने हाथ से अब दबाया तभी ये वापस अंदर चली गई है। अब शायद मेरे हिसाब से लेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी, लगा के देखते हैं। देखें अब आवाज भी नहीं आ रही है और अब वापस डिटैच करने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बिल्कुल सही है। इतना गजब लगा ना उसका, एक ही लाइन ऐसी, लाइन भी एकदम सीधी की सीधी, आगे तरफ हुआ नहीं और आधी तरफ हुआ, ये हो गई थी, सुपर लग रहा था वो खेत यहाँ। खेतों की बाजोत का काम ऊंट से ही हुआ करता था। तो ये भाई साहब बता रहे हैं कि ये जो हमारे फोटोग्राफर जो कैमरामैन लगे हुए हैं, इनके बड़े भाई साहब बहुत अच्छे से मतलब एक बिल्कुल सीधी लाइन में बुआई किया करते थे। तो दोस्तों जो आर्टिस्ट ने हमारे से फोटो मंगवाई थी वो दादाजी के जन्मदिन पे उन्होंने दादाजी का जो स्केच है वो बना करके हमारे को इंस्टाग्राम पे सेंड किया है। एक ऐसे जिंदा दिल इंसान जिनको पिछले 28 अप्रैल को हमने खो दिया था, आज उनका जन्मदिन है और आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम चूरमा दाल बाटी खाएंगे, शाम को आपको भी खिलाते हैं। जो 43 मिलियन व्यू वाली साइकिल है जो बिल्कुल जर्जर हालत में खड़ी है, वो बिल्कुल टायरों वायरों में हवा खत्म हो गई उसके, आज उसको दोबारा हम रिस्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक साइकिल थी वो, खत्म है बिल्कुल हवा टायरों में, इसके हवा भरनी पड़ेगी और इसको देखेंगे, चला के देखेंगे चलती भी है नहीं चलती है। इसको स्क्रैच भी कर दिया है। तो क्या लाए हो आप, लाए आपने? आप हवा भरेंगे साइकिल में? निकालो फिर निकालो, इसको निकाल लो, पाइप तो निकल जाए, खींच लो। बस अब तेरा दम खत्म हो गया है यहीं पे। साइकिल के टायर का प्रेशर होता है 25 से 35 के बीच में। इनका कितना बड़ा घर बना लिया है दीवल ने, इसमें से एक पेड़ भी निकल रहा है नीचे से।
ले आज फिर यारी मार बड़ी दूर जा रहा है रे तेरा दाढ़ी अत्ती जैसे मुंडो दिख रहे हो ना सही में यार तेरी दाढ़ी ऊपर तक आ गई सोनू बह की जाए बहुत मस्त फोटो बनी है आपकी मस्त फ्लाईओवर के नजदीक सर्विस रोड पर शानदार वाली सफाई कर दी रोड को भी काफी अच्छी चौड़ाई तक चौड़ा कर दिया गया है हम गए थे इवनिंग वॉक पे ड्रोन ड्रोन उड़ा कर के और घर जा रहे हैं भाई चेतन भाई ने खूब आनंद लिया है ड्रोन का क्या मामा जी फीका चूरमा दे दिया आपको हमारे चेतन भाई भोजन कर रहे हैं इधर अपने योगेश भाई भोजन कर रहे हैं राजस्थान का प्रसिद्ध भोजन चूरमा बाटी और दाल वही मटकू भाई का भोजन लेकर के चलते हैं मटकू भाई सुबह चले गए थे निकू दीदी के घर पे मटकू का भोजन लेके चलेंगे शायद भूख लगी होगी उनको 8:30 बज चुके हैं भाई पहले से तैयार बैठे हैं टिफिन लेकर के चलते हैं मटकू भाई को जबरदस्त भूख लग गई होगी मास्क मेरा ही पड़ा है गैस में कोई अलाव अलाव सीख रहे हैं शायद सर्दी की वजह से हम पहुंच चुके हैं मटकू भाई के पास और मटकू भाई अंधेरा नहीं हो इसलिए हम लाइट लेके आए हैं मटकू भाई को अपन ने भोजन दे दिया है हम जा रहे हैं घर की तरफ फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आज के लिए इतना ही धन्यवाद